तो गाइस कैसे हो सब लोग, और आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गेमर क्षेत्र में। और भी आज हमारे फाइनल नया गेम लैपटॉप आ चुका है, इसका नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम है एसर राइटर हीलोस 300। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ उसको अनबॉक्स करने के लिए। आप लोग इसके स्पेक्स जो बता देता हूँ, इसके अंदर आरटीएक्स 3060 ग्राफिक कार्ड है, इंटेल आईकोर 710 जो प्रोसेसर है, 1 TB SSD प्लस 256 SSD एंड इसके अंदर 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट है। तो भाई बहुत शानदार इसके स्पेक्स है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके अंदर गेमिंग करने के लिए। तो आपको इसकी गेम प्ले वीडियो भाई बहुत जल्द चैनल पर मिलने वाले, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। आप उसका बॉक्स देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है इसका बॉक्स, साइड के इसके प्रोटेक्टर जो भी इसको हटाते हैं अभी उनको साइड में रखते हैं हम लोग। इसका बॉक्स देखते हो भाई कितना शानदार लग रहा है इसका बॉक्स। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर से हम लोगों को एक पैम्पलेट मिला है, देखते हो पैम्पलेट के अंदर क्या है। यहाँ पे पैम्पलेट को ओपन करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे पैम्पलेट के अंदर से हम लोगों को यहाँ पे दो बॉक्स मिल गए, तो भाई देख लेंगे बॉक्स के अंदर बाद में क्या है इसके अंदर, इसको साइड में रखते हैं हम लोग। हमारे मेन चीज़ पर आते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर, तो भाई यहाँ पे लैपटॉप एक कवरिंग के अंदर है, तो कवरिंग को हटाते हैं भाई सबसे पहले, इसको बाहर निकालते हैं लैपटॉप बॉक्स के अंदर से। सो भाई कवरिंग तो भाई बहुत सही लग रही है मुझे इसकी यहाँ पे, लेकिन लैपटॉप अनबॉक्स करने से पहले हमारे पास साइड में एक बॉक्स है, उसको देखते हैं उसके अंदर क्या है यहाँ पे। सो उस बॉक्स को खोलते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर चार्जिंग केबल वगैरह निकली है। यहाँ पे चार्जिंग केबल दिखा देते हो आपको कैसी इसकी यहाँ पे। सो ये इसकी पावर कॉर्ड है यहाँ पे, एंड इसका अडैप्टर भी दिखा देता हूँ। इसका अडैप्टर 105 वॉट्स का मेरे हिसाब से हाई फास्ट चार्जिंग का अडैप्टर है शायद से, पता नहीं मुझे, कुछ भी हो जो भी आप हम लोग हमारे लैपटॉप के ऊपर आते हैं अभी। मैं तो बहुत एक्साइटेड उसके अंदर गेमिंग करने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट से बताना मुझे कौन सी गेम्स नहीं चाहिए लैपटॉप के अंदर, सबसे बेस्ट वाली गेम्स बताना जिससे कि आप लोगों को देखने में मज़ा है, मुझको खेलने में मज़ा है। तो भी यार लैपटॉप की फर्स्ट ऑफ देख सकते हो भाई, पूरी मेटल बॉडी है इसकी, बहुत ऑसम लुक है इसकी यार यहाँ पे। तो भी हम लोग उसकी लिड ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है ये। सो कुछ अंदर से ऐसा दिखता है इसकी, अभी पावर ऑन करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो कीबोर्ड से यहाँ पे इसकी RGB लाइट्स आने लग गए अभी से ही, तो उसको हम लोग बाद में सेलेक्ट कर देंगे। ओपी गाइस देख सकते हो आप कितनी ओपी साउंड आई है यहाँ पे, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो अभी आप लोगों को मैं एक सिनेमेटिक शॉट दिखाने वाला हूँ साइड से कैसे दिखता है लैपटॉप पे, और साथ में आपको उसके जो भी इसके पावर कॉर्ड वगैरह उसका नाम भी बता दूंगा। तो हम लोगों को फर्स्ट साइड पे एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके आगे हम लोगों को USB टाइप पोर्ट दिख रहा है, एंड उसके आगे एक HDMI पोर्ट है, एंड बिल्कुल लास्ट में एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट है। आपको मिनी डिस्प्ले पोर्ट का फंक्शन बता देता हूँ, उस पोर्ट से आप लोग मतलब मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो मेरे लैपटॉप से। एंड सेकंड साइड पर आप लोगों को एयर वेंट देखने को मिल जाएंगे, बीच में आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिखेगा, एंड आगे और एयर वेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको इसका कंप्लीट फुल लुक दिखाता हूँ मैं, ये बिल्कुल एक हवा महल जैसा है। यस ये बिल्कुल हवा महल जैसा, देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल भाई अजीब से इसके एयर वेंट्स है। अब आपको थर्ड साइड पर दिखाता हूँ, एक हम लोगों को अनलॉक बटन दिखता है, इसका फंक्शन मुझे एक पता नहीं क्या है, बस उसका नाम पता है। देन उसके बाद हम लोगों को एक इथरनेट केबल पोर्ट मिलता है, इससे आप लोग फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हम लोगों को दो USB पोर्ट एंड हेडफोन चेयर। तो गाइस आज के अनबॉक्सिंग वीडियो में बस इतना ही था, आपको कैसे लगी वीडियो मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। अब से हम लोग उसमें PC गेम्स खेलने वाले, अभी हम लोग GTA 4 खेलने वाले, क्योंकि भाई GTA 4 मैंने खेले नहीं है, GTA 5 मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ मेरे PS में, तो भाई GTA 5 खेलूंगा तो भाई कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं GTA 4 खेलने वाला हूँ। बाकी मुझे कमेंट्स में बता देना आप कौन से गेम खेलना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं कौन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।